तैयार होके, उन लोगों का गाड़ी भी आ गया है। इधर रास्ते में थोड़ा सा पानी वानी लगा है, इसीलिए हमको जाना पड़ रहा है कि देखते हैं कहाँ पानी लगा। देखिए वहाँ बच्चे हैं, ओ यहाँ लगा हुआ है, यहाँ लग गया है पानी। देखिए गाड़ी भी आ गया बच्चों का, जा रहे हैं। बैठ गए और गाड़ी खुल गया। हाँ देखिए टाटा कर रहा है सब। अब निकलेंगे, खाना वाना खा के और निकलेंगे ऑफिस, क्योंकि आज वर्क ज़्यादा है, जल्दी चलना पड़ेगा, खाना रेडी हो रहा है। बच्चे निकल गए हैं, चलिए आगे मिलते हैं। चलिए मैं पहुंच गया और सब किसी को गुड मॉर्निंग, सुबह में मैंने गुड मॉर्निंग नहीं बोला था। बच्चे भी स्कूल निकल गए, आपने देखा ही। और अभी अभी घर से फ़ोन आया कि भाई जो टीवी चलता है उसमें मैंने स्टेबलाइजर सिस्टम लगाया हुआ है, जिससे टीवी और फ्रिज चलता है, वो शायद बंद पड़ गया है किसी कारण से, पता नहीं। सुबह में तो ठीक था, अब देखिए बोले हैं मंगाने, बोले हैं लाने के लिए, एक गया है लड़का जो कि लेके आएगा, उसके बाद देखते हैं क्या दिक्कत है उसमें। अपने से ठीक होने वाला होगा तो देखा जाएगा, नहीं तो हमारे मोनू जी हैं जिन्होंने मेरा पंखा ठीक किया था, उन्हीं से दिखाएंगे। आता है लड़का तो लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि स्टेबलाइजर में हुआ क्या है दिक्कत, उसके बाद जो भी होगा आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं, आ रहा है तो। जो आ गए हैं स्टेबलाइजर का, जो हम लोग का क्या बोलते हैं इसको, रोटरी स्विच, यही खराब हो गया है। हम लोग का स्टेबलाइजर का जो आप लोग ने देखा, उसका ये रोटरी स्विच जो है यही खराब हो गया है, जिसके चलते सप्लाई आए नहीं रहा। हमारे मनोज जी आए हुए हैं साथ में, देखिए यही रोटरी हम लोग ख़राब था स्टेबलाइजर का, उसको हम लोग जाके रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करके उसके बाद हम लोग जो स्टेबलाइजर है वो ठीक हो जाएगा। कितना का है भैया ये? अच्छा 40 रुपये का। भैया अभी गुटखा खाए हैं इसलिए इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रहा है, हम इशारा से बताए हैं 40 रुपये। ले लो है, देखो ताई मोर्चल पकड़ी, क्योंकि ठीक है भैया आप ले लीजिए। स्टेबलाइजर है वो तो ठीक हो गया, क्योंकि उसमें क्या दिक्कत है कि जो उसका रोटरी होता है घुमाने वाला वही डैमेज हो गया था, क्योंकि काफ़ी पुराना है और उसी को हम लोग ने रिप्लेस कर दिया। मैं खोल के देखा तो देखा कि वो काफ़ी हल्का चल रहा था, तो फिर
मनु जी से मैंने दिखाया था, मनु जी बोले कि यही इसी का प्रॉब्लम है, चलिए मार्केट चल के लाते हैं और उसके बाद इसको ठीक करेंगे। गए मार्केट, आप लोग देखे भी मार्केट गए, अब बहुत सस्ता आइटम है, कोई ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और अपना स्टेबलाइजर ठीक भी हो गया और घर भी भेज दिए, अभी वर्किंग कर रहा है, अच्छा कर रहा है। और आज का जो वर्क था उसमें काफ़ी मुझे समय मिला नहीं, कुछ लैपटॉप आया हुआ था रिपेयर करने के लिए, जो जो लैपटॉप था इसमें स्विचिंग का दिक्कत था, इसका स्विच वर्क नहीं कर रहा था, तो वही एक उसको ठीक कर दिया गया, खोल के फर्स्ट क्लास काम कर रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, तो स्विच होता है मेन स्विच, यही टूट गया था तो इसको हम लोग ने रिपेयर किया, अभी अच्छा वर्क कर रहा है। मैं आप लोगों को दिखाता भी लेकिन समय नहीं मिल पाया, चूँकि उसी में स्टेबलाइजर का दिक्कत आ गया, तो उसमें क्या होता है कि आप लोगों को स्टेबलाइजर से मैंने लगाया हुआ है, चूँकि काफ़ी हमारे घर के तरफ शॉर्ट सर्किट होते रहता है, तो उस कारण से देखिए एक बार मैं दबाया मैंने और ये आपका चालू भी हो गया, देखिए फर्स्ट क्लास रनिंग कंडीशन में, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं था। और भी कुछ लैपटॉप आए हुए थे जिसको मैंने ठीक किया, कुछ विंडोज़ का इशू था, कुछ का चार्जिंग वर्जिंग का इशू था, ठीक हो गया, ये अभी वर्किंग कर रहा है। चलिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए मेरे विद तिवारी ब्लॉग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और तब तक के लिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।